क्या सचिन पायलट का गढ़ छीन पाएंगे राजेंद्र गुर्जर, या फिर कांग्रेस और सचिन पायलट किसी दिग्गज दावेदार पर दांव खेलकर बीजेपी का रथ रोकने में कामयाब हो पाएंगे? आखिर विजय बैंसला का टिकट क्यों कटा? टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट का पिछला जो सियासी समीकरण है वो क्या कहता है? परिसीमन के बाद यहाँ से बीजेपी गुर्जर को तो कांग्रेस मीणा को मैदान में उतारती है। हमेशा इस सीट पर एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस का प्रत्याशी जीत दर्ज करता आ रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि 2023 विधानसभा चुनाव के अंदर भी हरीश मीणा, जो सचिन पायलट के करीबी नेता माने जाते हैं, उन्होंने दूसरी बार इस सीट से जीत दर्ज की है और फिर पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव के अंदर मैदान में उतार दिया और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस सीट पर जातीय समीकरण क्या कहता है? सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो यहाँ पर SC, ST और गुर्जरों के ही जो हैं वो वोट माने जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूँ आपके साथ महेंद्र बांसलोटा। जिस दिन टिकट वितरण हुआ था, लगभग 7:38 पर विजय बैंसला ने एक पोस्ट की थी। उसमें लिखा था कि अक्टूबर माह में आज से 11 महीने पहले हमारी पहली मुलाकात थी, जब बीजेपी ने मुझे प्रत्याशी बनाकर आप सबके बीच में भेजा था। इतने एक दूसरे से परिचित नहीं थे, लेकिन 11 महीने से हम एक दूसरे के साथ रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आए हैं। अब हमारी अच्छी मुलाकात हो गई है, अब हम आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए मिलकर मेहनत करेंगे। उसके बाद विजय बैंसला ने कोई पोस्ट नहीं किया। शायद विजय बैंसला को लग रहा था कि उन्हें टिकट मिल जाएगा, लेकिन उनका टिकट कट चुका है। कटने की वजह यह भी हो सकती है कि इस बार लग रहा है टिकट वितरण में कि किसी की नहीं चली, केंद्रीय नेतृत्व ने जीतने वाले उम्मीदवार पर ही दांव खेला है। विजय बैंसला ने कोई बगावती सुर नहीं दिखाया, लेकिन विजय बैंसला वही हैं जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र हैं और समाज को आरक्षण दिलाने में उनकी बड़ी जो है वो भूमिका रही है। ऐसे में कई जगह से ऐसे मैसेज भी आ रहे हैं कि विजय बैंसला का टिकट क्यों कटा। खैर, ये पार्टी का मामला है, विजय बैंसला का टिकट काट लिया गया। लेकिन अब राजेंद्र गुर्जर और इस सीट के बारे में बताते हैं। सबसे ज़्यादा अगर शासन की बात करें इस सीट पर, तो पूर्व उनियारा राज परिवार ने 9 बार इस सीट पर जीत दर्ज की है, जिसमें सबसे ज़्यादा 6 बार पूर्व जो गृह मंत्री हैं दिग्विजय सिंह, वो यहाँ से 6 बार विधायक रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है कि वो अलग अलग पार्टियों से विधायक रहे हैं, लेकिन परिसीमन के बाद की अगर बात करें, 2008 के अंदर इस सीट से रामनारायण मीणा और रामनारायण मीणा के सामने नाथू सिंह गुर्जर को बीजेपी ने टिकट दिया था, लेकिन नाथू सिंह गुर्जर को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस प्रत्याशी रामनारायण मीणा ने यहां से जीत दर्ज की। 2013 के अंदर इस बीजेपी की ओर से प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर को मैदान में उतारा, तो कांग्रेस ने फिर रामनारायण मीणा पर भरोसा जताया, लेकिन इस बार रामनारायण मीणा को हार का मुंह देखना पड़ा और राजेंद्र गुर्जर इस सीट से पहली बार विधायक चुनकर गए। 2018 के अंदर इस सीट से कांग्रेस ने हरीश मीणा को, तो बीजेपी ने राजेंद्र गुर्जर को टिकट दिया, लेकिन फिर राजेंद्र गुर्जर हार जाते हैं और हरीश मीणा चुनाव जीत जाते हैं। 2023 के अंदर हरीश मीणा फिर चुनाव जीत जाते हैं, सामने होते हैं विजय बैंसला, और इस बार फिर विजय बैंसला का टिकट काटकर राजेंद्र गुर्जर को पार्टी ने मैदान में उतारा है। अब इस सीट पर मतदाताओं की बात कर लेते हैं। देवली उनियारा में सबसे ज़्यादा अगर वोटरों की बात करें तो ST के मतदाता हैं लगभग 65,000। उसके बाद अगर SC की बात करें तो 61,000 SC के मतदाता हैं, और गुर्जर मतदाताओं की बात करें तो लगभग 57,000 इस सीट पर गुर्जर मतदाताओं का जो है वो वोट बैंक है। ऐसे में इस सीट पर एक पार्टी हमेशा गुर्जर को मैदान में उतारती है, तो दूसरी पार्टी हमेशा इस सीट पर जो है वो मीणा पर दांव खेलती है। लेकिन परिसीमन के बाद तो लगभग ऐसा ही होता रहा है कि बीजेपी गुर्जर को तो कांग्रेस मीणा को मैदान में उतारती है। अब इस सीट पर फिलहाल कांग्रेस की तरफ से अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा गया है, और हनुमान बेनीवाल ने भी गठबंधन को लेकर जो चर्चा हुई उसमें देवली उनियारा सीट का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन होगा तो खींवसर के साथ देवली उनियारा में भी किया जाएगा। क्या इसीलिए कांग्रेस को टिकट वितरण में इतना समय लग रहा है? पता नहीं, शायद मुझे लग नहीं रहा कि देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस किसी अन्य पार्टी से जो है वो गठबंधन करेगी, क्योंकि लगातार यहां से 2 बार कांग्रेस का प्रत्याशी जीत दर्ज करता आ रहा है। लेकिन अब इस सीट पर सचिन पायलट की साख इसलिए दांव पर है क्योंकि सचिन पायलट खुद टोंक से मौजूदा विधायक हैं और टोंक जिले की ये देवली उनियारा सीट
जो है वो टोंक की विधानसभा है। ऐसे में सचिन पायलट के लिए, चूँकि उन्हीं के करीबी नेता थे हरीश मीणा, जो दो बार जो है यहाँ से विधायक चुनकर गए हैं, और जब मानेसर जाने की काम आया बात आई और सचिन पायलट के साथ खड़े होने की बात आई तो हरीश मीणा उनके साथ खड़े भी नजर आए थे। तो सचिन पायलट भी इस सीट पर शायद ऐसे कोई बेहतर विकल्प की तलाश में हो और पार्टी को ऐसे बेहतर विकल्प, ऐसे बेहतर जो है उम्मीदवार को टिकट देने के लिए शायद हस्तक्षेप करें जो इस सीट पर आसानी से जीत दर्ज कर ले। नरेश मीणा को लेकर भी इस सीट पर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, हालांकि ये तो पार्टी के टिकट वितरण होने के बाद ही सारी स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी कि किसे इस सीट पर कांग्रेस जो है वो मैदान में उतारती है।